तो हेलो जी, की हाल चाल सारे, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। और मैं आपका अपना छोटा भाई साहिल। एनीवेज भाई लोगों, टाइम हो चुका है पुरने को छोड़ के पडूम को जाने को। टोटल है 60 किलोमीटर अराउंड, 3 घंटे का पैच है कंप्लीट। एंड ट्रैक करके ना यार जान निकल गई, सच बता रहा हूँ, ट्रैक करके मैं डेड हो गया। एनीवेज चलो अभी चल रहे हैं, रास्ते की ऑफ रोडिंग वगैरह सब आप देख ही लोगे, तो चलो निकलते हैं सीधा पडूम के लिए। तो चलो जी, अब टाइम हो चुका है पुरने को बाय बाय करने का। बाय बाय पुरने, आज ना यार बोलने की हिम्मत नहीं हो रही, पता नहीं यार ये व्लॉग कैसा बनेगा कैसा नहीं बनेगा। डाउन ट्रैफिक्स, ये डाउन ट्रैफिक के लिए है। एंड दिस इज द फॉर पडूम रोड ओनली फॉर, एंड हियर इज द बोर्ड पडूम। और यहाँ लिए थे भाई अपन ने कुछ अपनी बाइक्स के फोटोग्राफ्स, और अगर यहाँ के कुछ फोटोज़ या पोस्ट देखने हैं तो भाई इंस्टाग्राम पे मेरा नीचे हैंडल आ रहा है इंस्टाग्राम आईडी का, वहाँ जाके फॉलो कर लेना। बहुत मज़ा आ रहा है, सच में फन है, फुल ऑफ रोड ट्रेल है, थकना नहीं है, टूटना नहीं है। अब जैसे मेरे को बुखार हो गया था, पर ठीक है मैंने हिम्मत करी, मैंने चलना है यार, इतनी दूर आके वापस नहीं जाना। एंड टचवुड कुछ होना आगे, अगर कुछ हो गया ना अब आई एम डैम श्योर मुझे ये ट्रिप छोड़नी पड़ेगी, फिर मुझे घर वापस जाना पड़ेगा। और ये गाड़ी वाले ने ले रखी हमारी क्लास भाई, दे धूल मिट्टी, कुछ नहीं दिख रहा भाई मुझे आगे, सिर्फ एक अंदाजे से चल रहा हूँ। हाँ देखो बिल्कुल डिसेंडिंग, और आगे देखो बिल्कुल वो है असेंडिंग है भाई, यहाँ बिल्कुल डाउन है वहाँ एकदम क्लाइंब है अलग। तो देखो भाई बिल्कुल क्लाइंब आ गया यार एकदम से। चलो पहले ये क्रॉस करते हैं, 1 2 3। भैया रुक गए नितिन भैया, तो मैं भी बस ऊपर चल के रुकता हूँ, वेट करते हैं भैया का। धर्मेंद्र भैया की वजह से हो गया कांड, टॉप बॉक्स में मेरा सामान रखा था पीछे, और इनसे मैंने कहा था लॉक कर दो, इन्होंने और ओपन करके मेरे को चाबी दे दी, और मेरा एक गोप्रो का तो बैग गिर गया, और ये टैंक बैग का वाटरप्रूफ कवर उड़ गया। और चेक करके आए पीछे ये लोग, नहीं मिला, वो उड़ के ना साइड में पानी में उड़ गया यार विंड के थ्रू, दिमाग खराब हो गया पूरा भाई। यहाँ के लोकल की ना माननी पड़ेगी, बंदा यहाँ साइकिलिंग कर रहा है, यहाँ हमसे बाइक नहीं चलाई जा रही और ये बंदा साइकिलिंग कर रहा है, अमेजिंग भाई। भाई इतनी डस्ट है इधर यार, इतनी डस्ट है पूछो मत। पडूम में जाके सबसे पहले हम ये नहाना है यार आज, बहुत ज़्यादा डस्टी एरिया है यार। भाई ये देखो भाई गिट्टियों वाला रोड, और ऊपर से आ रही हैं गिट्टियाँ गिरती हुई, इतना गंदा रोड है पूछो मत, अच्छे अच्छे बंदे की हालत ख़राब हो जाए इस रोड पे आके तो यार। फुल ऑफ रोड ट्रेल है भाई, फुल ऑफ रोड ट्रेल, जंस्कार वैली इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। देखो भाई दूर दूर तक कोई भी नहीं है, ना मेरे पीछे कोई ना मेरे आगे कोई, मैं इस रोड का शहंशाह बोले तो शहंशाह। ओ भाई क्या गड्ढे यार, क्या ही रोड है, हे भगवान माफ कर दो। अब तो भाई सच में ऑफ रोडिंग कर करके हम थक गए। हवा चल रही है भाई बहुत ज्यादा तेज, रोड्स पे आ चुके हैं, स्वागत है आपका रोड्स पे,
कैसा फील आ रहा है इतने दिनों बाद इस रोड पे आके भाई। बहुत गंदी मिट्टी थी, बहुत ज्यादा गंदी, पर कुछ भी कहो मजा आया सच में भाई। रोड देख के ना सच में दिल खुश हो गया। और अब तो भाई ज्यादा से ज्यादा आध घंटे लगेगा, बस यहाँ ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कॉर्नर्स पे यार, वो बजरी गिरी हुई है जिससे टायर स्लिप मारता है। क्या मजा आ रहा है भाई इस रोड को उतरने के बाद, सच बता रहा हूँ। मेरे दिल की फीलिंग से पूछो कहाँ चले गए थे भाई ये लोग, कहाँ चले गए थे। टैमैक रोड देखने को तरस गया था भाई, सच बता रहा हूँ। अब हवा के परिंदे हो रहे सबके सब। फाइनली भाई पाडुम पहुंच चुके हैं, ये है गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल पता नहीं क्या पाडुम का। नाउ वी आर सर्चिंग फॉर अ होटल। वाओ यार पाडुम क्या सुंदर जगह है, लुक ब्रो। ओए होए भाई क्या प्यारा है यार, लुक एट दिस व्यू ब्रो, भाई ऑसम। ये मस्जिद है, आई टोल्ड यू ना। सो हाँ जी, की हाल चाल सारे यहाँ थे। और कल शाम को भाई अपन पहुंचे थे यहाँ पर करीबन 5:30-6 बजे। कितने बजे पहुंचे थे भैया? हम पहुंचे यहाँ पे 7:30 बजे। कल हम पहुंचे थे भाई 7:30 बजे और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन थी। आप लोगों को पता ही है, व्लॉग देख के पता लग गया होगा पूरा कि मेरी बहुत ज़्यादा हालत टाइट थी। और रात को पहुंचे भाई यहाँ पे 7:30-8 बजे। रेडी वेडी होके फिर गए डिनर विनर करने, वापस आए 11 बज गए थे। और हाल ज़्यादा ख़राब था, व्लॉग एंड नहीं कर पाया और अभी कर रहा हूँ मैं व्लॉग एंड। भाई कल की जो ऑफरोडिंग थी काफ़ी मज़ेदार थी, मज़ा आया। और आज है हम पाडुम में और पाडुम को करेंगे लोकल एक्सप्लोर। और फर्स्ट ऑफ ऑल यार मेरी बाइक का है ना कॉन्सेप्ट ख़राब हो गया है एज यूजुअल, जैसे मैंने आपको बाइक पे बताया था बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है। तो अभी चलते हैं यार लोकल मैकेनिक को देखते हैं, कॉन्सेप्ट का चेक करवाते हैं। मैं बस ये चाहता हूँ आगे दिक्कत ना आए, ऑफरोडिंग अभी भी बहुत बाकी है तो आगे दिक्कत ना हो यार, तो इसलिए अभी जाके चेक करवाना पड़ेगा। और पीछे अपने भैया लेटे हुए हैं, विकास भैया एंड नितिन भैया बाहर हैं। पीछे ये देख रहे होंगे आपको खिड़की में बैठे हुए, ये हमारे लाला जी। तो अब निकल रहे हैं बस थोड़ी देर में मार्केट के लिए, ब्रेकफास्ट यही बोल दिया आ रहा है। तो चलो जी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।